गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 20 निकालिए। पेज नंबर 20, आज हम नया पार्ट सीखेंगे बच्चों। उसका नाम है शरारती चूहा। उसका नाम क्या है? शरारती चूहा। चूहा तो हर किसी के घर में होता है, आपने भी पढ़ा, आपने भी देखा है ना। तो यही चूहा शरारत करके क्या क्या करता है, ये आज हम इस पाठ द्वारा देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम ये पाठ, नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है शरारती चूहा। बच्चों, पहले मैं ये पाठ आपको पढ़ाती हूँ और उसके बाद मैं समझाती हूँ, ठीक है? तो मैं पढ़ती हूँ, आप भी पेज नंबर 20 निकालिए और मेरे पीछे पढ़िए, ठीक है? एक गांव में एक नटखट चूहा रहता था। एक गांव में एक नटखट चूहा रहता था। वह बड़ा चालाक भी था। दिन में 2-3 बार वह कुछ न कुछ हरकत करता रहता था। बैठे बैठे उसने सोचा, क्यों न आज शहर घूम आऊँ। तुरंत चूहा तैयार हुआ और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने एक बड़ी सी कपड़े की दुकान देखी। मौका देखकर वह अंदर घुस गया। दुकानदार ने तुरंत उसे देखा। दुकानदार बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहे ने कहा, मैं यहाँ अपनी टोपी के लिए कपड़ा लेने आया हूँ। दुकानदार चिल्लाकर बोला, चल निकल यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया। दुकानदार को डराते हुए उसने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। दुकानदार सचमुच डर गया और उसने चूहे को रेशम से कपड़े का एक टुकड़ा दिया। उसे लेकर चूहा एक दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी जी, इस कपड़े से एक अच्छी टोपी सिल दीजिए। दर्जी ने साफ मना किया। गुस्सा करते हुए चूहे ने फिर से वही गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। डर के मारे दर्जी भैया बोले, चूहे राजा, ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर टोपी बनाता हूँ। नटखट चूहे ने दर्जी की बनाई सुंदर टोपी पहनकर आईने में अपना चेहरा देखा। वह खुशी से नाचने लगा। बच्चों, कितना अच्छा पाठ है ना ये, हाँ? एक चूहे की कहानी है, ये चूहे की कहानी है और चूहे ने कैसे शरारत करते हुए दुकानदार और दर्जी को कैसे परेशान किया, ये इस पाठ में सिखाया है। ठीक है, तो मैं ये पाठ आपको समझाती हूँ। जब मैंने ये पाठ पढ़ा तो आपको ये ऑलरेडी समझ में आया होगा, है ना? और एक बार मैं पढ़ाती हूँ बच्चों। चूहा हर किसी के घर में होता है, आपने भी इसे देखा है। चूहा बहुत तेज़ी से दौड़ता है, वो इधर उधर कुछ ना कुछ हरकतें करता ही रहता है। और चूहे हर बार क्या करते हैं कि घर में हमारे जो कपड़े होते हैं और अनाज होता है, अनाज के वो जो पोते होते हैं वो कुतरते हैं। तो ऐसे ये बहुत ही शरारती चूहे होते हैं। तो ऐसे ही एक शरारती चूहा, एक गांव में एक शरारती चूहा रहता था और बड़ा वो चालाक भी है, नटखट भी है और चालाक भी है। तो ऐसे ही 2-3 दिन गए तो उसे कुछ ना कुछ हरकतें करने के लिए वो उसे सोचता है और उसने कहा कि चलो आज क्या करेंगे कि शहर घूम जाते हैं। उसने अपने आप को कहा कि चलो आज हम
शहर घूम आते हैं। तो तुरंत चूहा तैयार हुआ और शहर की ओर चल पड़ा। शहर की ओर चल पड़ा और चलते चलते उसने एक कपड़े की बड़ी दुकान देखी। चलते चलते शहर में रास्ते में दुकान कपड़े की बहुत बड़ी दुकान देखी और वो उस दुकान के अंदर घुस गया। कौन घुसा? चूहा एक बड़े से कपड़े के दुकान के अंदर घुस गया और दुकानदार से बोला, दुकानदार ने उसे देखा और दुकानदार ने चूहे को देखने के बाद दुकानदार ने बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार की ये बातें सुनकर चूहे को बड़ा गुस्सा आया और चूहे ने कहा, मैं यहाँ अपनी टोपी के लिए कपड़ा लेने के लिए आया हूँ। चूहे ने दुकानदार से कहा कि मैं यहाँ अपने टोपी के लिए कपड़ा लेने के लिए आया हूँ। दुकानदार चिल्लाते हुए बोला, चल निकल यहाँ से, चूहे को कपड़े नहीं बेचता। यह सुनकर चूहे को बड़ा गुस्सा आया और दुकानदार को डराते हुए उसने गाना गाया। एक छोटा सा चूहा बड़े दुकानदार को डराते हुए एक गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। चूहा बहुत ही नटखट है, शरारती है और चालाक भी है। दुकानदार ने मना किया, कपड़ा देने के लिए मना किया, तो चूहे ने उस दुकानदार से डराते हुए बोला कि मैं रातों रात आऊँगा, रात को मैं आऊँगा, अपनी सेना लेकर आऊँगा। अपनी सेना यानी चूहे के बहुत सारे दोस्त जो है, उन सब की वो बहुत सारी उनके दोस्त है, उनको मैं लेकर आऊँगा। और ये आपकी दुकान है ना कपड़ों की, ये सारे रातों रात ये कपड़े क्या करूँगा, कुतरूँगा। जो चूहे के जो छोटे छोटे दांत होते हैं ना, इसे ये कपड़े सारे कुतरूँगा। ये सुनने के बाद दुकानदार सचमुच डर गया और दुकानदार ने चूहे को एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया। कौन सा कपड़ा? रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया। और फिर चूहे ने वो कपड़ा ले लिया और कपड़ा लेने के बाद वो कहाँ गया? एक दर्जी के पास गया। दर्जी किसे कहते हैं? जो कपड़े सीते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्जी। इंग्लिश में इसे टेलर कहते हैं। ये कपड़े हैं ना, दर्जी सीते हैं। तो ये जो चूहा है, दुकानदार ने रेशमी कपड़ा दिया था, वो कपड़ा लेकर चूहा कहाँ आ गया? दर्जी के पास। और दर्जी को चूहे ने कहा, इस कपड़े से मुझे एक अच्छी सी टोपी सिलकर दीजिए। दर्जी ने साफ मना किया और चूहे को बड़ा गुस्सा आया। और गुस्सा आने के बाद फिर से चूहे ने वो गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। यह सुनते ही दर्जी भैया घबरा गए, डर गए और कहा, चूहे राजा ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर टोपी बनाता हूँ। नटखट चूहा, शरारती चूहा, उसके लिए दर्जी ने एक सुंदर सी टोपी बनाई और चूहे को दे दी। ये देख रहे हो बच्चों, एक सुंदर सी टोपी। तो ये टोपी पहनकर चूहे ने आईने में देखा और खुशी से नाचने लगा। तो कितनी अच्छी कहानी है ना बच्चों ये। तो ये कहानी, ये पाठ हमें यहाँ हमारा पाठ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, एक शरारती चूहे की कहानी। ठीक है।
तो आपको ये दो बार पढ़ना है, आपको ये पाठ दो बार पढ़ना है। पाठ का नाम क्या है? शरारती चूहा, पेज नंबर 20। ठीक है बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर तो आपको आते ही होंगे, फिर और एक बार मैं आपको ये प्रश्न उत्तर समझाती हूँ। मैंने पहले से ही ये प्रश्न उत्तर लिखकर लेकर आई हूँ बच्चों, और एक बार मैं आपको ये प्रश्न उत्तर कैसे लिखते हैं दिखाती हूँ। पाठ का नाम क्या है बच्चों? शरारती चूहा। प्रश्न पहला, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये रिक्त स्थान, यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं और इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला वाक्य है बच्चों, चूहा बड़ा डॉट डॉट भी था। चूहा बड़ा डॉट डॉट भी था। चूहा तो नटखट है, उसके बाद वो चालाक भी है, तो यहाँ उत्तर क्या आता है? चालाक। ठीक है, दो नंबर, चूहा डॉट डॉट घूमने गया। क्या घूमने गया? शहर घूमने। उसको अपने आप को हरकत करने की सूची, और उसने अपने आप को सोचा कि वो कहाँ जाएगा, शहर घूमने जाएगा। चूहा शहर घूमने गया, यहाँ शब्द कौन सा आता है? शहर। यहाँ अधोरेखांकित कीजिए। तीन नंबर, डॉट डॉट देखकर चूहा कपड़े की दुकान में घुस गया। क्या देखकर? मौका देखकर। क्योंकि क्यों मौका देखा उसने? चूहे को मौका देखकर, चूहा अक्सर मौका देखकर ही घर में घुस जाता है, तो दुकान में भी वो क्या देखकर घुसा? मौका देखकर चूहा कपड़े की दुकान में घुस गया। यहाँ कौन सा शब्द आता है? मौका। यहाँ अधोरेखांकित कीजिए। ठीक है, प्रश्न दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर, प्रश्न पहला, चूहा कैसा था? बच्चों, चूहा कैसा था? चूहा नटखट था। उत्तर क्या आता है? चूहा नटखट था। दो नंबर, बैठे बैठे उसने क्या सोचा? बैठे बैठे किसने? चूहे ने। क्या सोचा? बैठे बैठे उसने क्या सोचा? क्यों ना आज शहर घूम आऊं? यह चूहे ने बैठे बैठे सोचा। उत्तर क्या आता है? क्यों ना आज शहर घूम आऊं? यह बैठे बैठे चूहे ने सोचा। ठीक है, प्रश्न तीन, दुकानदार क्यों डर गया? चूहे ने एक कपड़ा देने के लिए बोला, तो दुकानदार ने मना किया, तो चूहे ने क्या किया? दुकानदार से कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। यह सुनकर दुकानदार डर गया, क्योंकि जब चूहा अपनी सेना यानी दोस्तों को लेकर जब दुकान में घुस गया, तो सारे कपड़े वो क्या करेगा? कुतरेगा, और वो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। दुकानदार इसकी वजह से वो डर गया, क्योंकि चूहा सारे कपड़े कुतरेगा तो दुकानदार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए चूहे ने दुकानदार को डराया। दुकानदार को चूहे ने क्या डराया? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। यह सुनकर दुकानदार डर गया। ठीक है, प्रश्न चार, चूहे ने दर्जी को कैसे डराया? तो वो दुकानदार ने दिया हुआ कपड़ा किसके पास लेकर गया? चूहा दर्जी के पास।
दर्जी ने टोपी सिलने से मना किया। चूहे ने कहा, प्रश्न चौथा क्या है, चूहे ने दर्जी को कैसे डराया? दुकानदार ने दिया हुआ कपड़ा, दर्जी ने टोपी सीने से मना किया, तो चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। यह सुनकर दर्जी डर गया, क्योंकि दर्जी ने सिए हुए कपड़े अगर चूहे ने सारे कपड़े कुतर दिए तो क्या होगा, दर्जी के सारे कपड़े फट जाएंगे, सिए हुए कपड़े फट जाएंगे। तो इसीलिए दर्जी डर गया, क्योंकि चूहा तो नटखट है, शरारती है, अगर वो अपनी सेना लेकर आएगा तो सिए हुए कपड़े सारे कुतर देगा और दर्जी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए दर्जी डर गया। ठीक है, पांच नंबर प्रश्न पांच, दर्जी ने चूहे के लिए कैसी टोपी तैयार कर दी? दर्जी ने चूहे के लिए कैसी टोपी तैयार कर दी? उत्तर, दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर टोपी तैयार कर दी। दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर टोपी तैयार कर दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? Who said to whom? प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? Who said to whom? उसका पहला, क्यों ना आज शहर घूम आऊँ? किसने किसे कहा? चूहे ने अपने आप से कहा, उसने किसी से नहीं कहा, चूहे ने अपने आप से कहा। उत्तर, चूहे ने अपने आप से कहा। ठीक है, दो नंबर, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? उत्तर, दुकानदार ने चूहे से कहा। तीन नंबर, चूहे राजा ऐसा मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर टोपी बनाता हूँ। किसने कहा? उत्तर, दर्जी ने चूहे से कहा। दर्जी किसे कहते हैं? जो कपड़े सीते हैं उसे दर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया किसने किसे कहा? ओके, प्रश्न चार, निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। कुछ शब्द है और कुछ मुहावरे हैं, इसके हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, पहला शब्द है बच्चों नटखट, इसका उत्तर आता है शरारती। नटखट का उत्तर शरारती। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है बच्चों, चूहा बड़ा ही नटखट था। ये मैंने वाक्य तैयार किया है, आप अलग भी कर सकते हो बच्चों, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हो। ठीक है, नटखट यानी शरारती, चूहा बड़ा ही नटखट था। मैंने ये सारे वाक्य जो है वो हमारे पाठ में आए हुए ही वाक्य लिए है, आप अलग भी ले सकते हो। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है बच्चों, मौका यानी अवसर। तो मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, मौका देखकर चूहा दुकान के अंदर घुस गया। आप अलग भी
वाक्य बना सकते हो। तीन नंबर, डरते हुए। डरते हुए, घबराते हुए, घबराते हुए। डर के मारे दर्जी भैया बोले, चूहे राजा ऐसा मत करो। डर के मारे दर्जी भैया बोले, चूहे राजा ऐसा मत करो। ये मैंने वाक्य तैयार किया है, आप अलग भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद साफ, साफ यानी बिल्कुल। वाक्य में प्रयोग, दर्जी ने साफ मना किया, दर्जी ने साफ मना किया। पांच नंबर, गुस्सा आना, क्रोधित होना। गुस्सा आना, क्रोधित होना। दुकानदार ने चूहे को गुस्से से निकलने को कहा तो चूहे को गुस्सा आया। दुकानदार ने चूहे को गुस्से से निकलने को कहा तो चूहे को गुस्सा आया। ये मैंने वाक्य बनाए हैं बच्चों। तो हमारा ये छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा पाठ शरारती चूहा यहाँ ख़त्म हुआ है। उसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने लिख कर दिए हैं। आपको यही प्रश्न उत्तर आपके नोटबुक में लिखना है और दो बार पाठ भी पढ़ना है। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम देखेंगे ग्रामर, अब हम देखेंगे व्याकरण। पेज नंबर 22 निकालिए, पेज नंबर 22 निकालिए। व्याकरण, कर्मकारक व करणकारक की विशेषताएं जान लीजिए। लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंटल केसेस। तो ये जो ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रूमेंटल केसेस है, ये क्या करना है, हमें इसकी विशेषता जान लेना है। सिर्फ मैं ये हरे चार्ट में जो है ये आपको मैं सिर्फ पढ़ के दिखाती हूँ, और कल यही आपको डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों, ठीक है। अभी मैंने पार्ट लिया है, इसके प्रश्न और उत्तर भी लिए हैं, और फिर एक ग्रामर तो आपके समझ के बाहर हो जाएगा। तो ग्रामर के लिए मैं कल आपको पिछले पार्ट का ग्रामर और ये इस पार्ट का ग्रामर मैं आपको दो पार्ट का ग्रामर मैं कल लेती हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं आपको ये पढ़कर दिखाती हूँ, ठीक है। कर्मकारक व करणकारक की विशेषता जान लीजिए। कर्मकारक ऑब्जेक्टिव केस को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्म का बोध होता है उसे कर्मकारक कहते हैं। उदाहरण, राम ने सांप को मार डाला, क्रिया का फल सांप भुगत रहा है। दो नंबर, लड़का बहन को मारता है, बहन पर मार का असर पड़ रहा है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद दो नंबर, करणकारक यानी इंस्ट्रूमेंटल केस से द्वारा संज्ञा की जिस अवस्था से साधन या कारण का बोध होता है उसे करणकारक कहते हैं। उदाहरण, एक नंबर, लड़का कलम से कागज़ पर लिखता है, कलम से। दो नंबर, हमें पत्र द्वारा जानकारी मिली, पत्र द्वारा। यानी ये क्या है? करणकारक इंस्ट्रूमेंटल केस, ठीक है। तो ये मैं ग्रामर व्याकरण आपको कल समझाती हूँ, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, शरारती चूहा पाठ दो बार पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर लिखने हैं, ओके। आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं, कल मैं व्याकरण लूँगी बच्चों, ओके। थैंक यू।